अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। मेरा नाम अरसलान अली और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जी व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज के व्लॉग में कुछ शादी के मेरे क्लिप्स हैं, कुछ वीडियोस पड़ी हुई थी, तो मैं सोचा कि चलें आप दोस्त जो हैं वो देख सकें कि मेरी शादी जो है वो मैंने किस तरह की थी। क्योंकि बचपन में मैं सीधी सी बात है, घर वालों को एक बात बोल दी, मैंने कहा मैंने तो करना है जी निकाह। वो निकाह इस तरह का सिंपल, आप जाएं और शादी करें और ले आए ठीक है दुल्हन को। तो फिर मैंने तो ऐसा बोला, घर वाले ने कहा यार ऐसे तो कोई भी नहीं करता, सीधी सी बात है, तुम क्या चाहते हो जी, ढोल ना बजे और मूवीज जो है वो भी ना बने, तो फिर क्या मतलब, ऐसा तो कोई भी नहीं करता। मैंने कहा बस मेरा शौक है। उन्होंने कहा चलें ठीक है। तो ये तो उन्होंने बोला जी, घर वालों ने कहा टाइम आएगा तो फिर ही पता चलेगा आपको। मैंने कहा चलें ठीक है। तो दोस्तों जब टाइम आया तो मैंने बोला, मैंने कहा मैंने तो निकाह करना है। वो लड़की वाले बोले जी ऐसा तो नहीं होगा, सब कुछ इन मूवीज भी बनेंगी और ढोल जो हैं वो भी बजेंगे फिर। तो मैं तो यार सोच में पड़ गया। मैंने कहा यार मैंने तो मैं सीधी सी बात है, मुझे शौक ही नहीं है, मुझे सच में शौक है। मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल इस चीज़ से मुझे आप कह लें कि थोड़ी नफरत ही है। मैं कहता हूँ यार क्या है। तो फिर मैंने उनसे बोला, मैंने कहा चले आप ऐसा करें कि जो ढोल हैं वो बजा लें आप, मूवीज जो है वो मैंने नहीं बनानी। तो उन्होंने फिर ऐसे बैठे, फिर उन्होंने आप सोच के बता दिया कि आप ऐसा करें चलें ठीक है, मूवीज जो है वो नहीं बनेगी और ढोल जो है वो बजा लेंगे वो, तो चलें ठीक है। फिर तो बस यही हुआ कि मैंने जो वीडियोस जो है मेरी मूवीज वो नहीं बनी, और जो मैं आपको वीडियो क्लिप्स जो है वो दिखाने लगा हूँ वो सिर्फ मोबाइलों पे आप कह लें कि बना ली थी थोड़ी सी। तो मैंने कहा चलें ठीक है भाई। यार मूवीज इसलिए मैं नहीं बनाता क्योंकि मूवीज जो है वो आपको पता, मूवीज वाला ड्रामे लगाता रहता है, वो या आहिस्ता चलो, कभी ये सीन करना है, कभी वो काम है, कभी इधर बैठना है, कभी उधर बैठना है, यार पता नहीं सौ सौ ड्रामे करते हैं ये। तो मैं इस चीज़ से बहुत चालू हूँ मैं शुरू से। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, मूवीज जो है वो अच्छा हुआ वो नहीं है, ढोल की ख्याल है, चलें ढोल का क्या है, तो इस वजह से है ढोल बजा लिया। तो अब चलते हैं फिर वीडियो की तरफ।
से दो बार स्टेज की जाने जा चुके हैं, तो उनकी एंट्री के लिए बहुत ही प्यारा सॉन्ग पेश कर रहे हैं। दोस्तों मौलवी जो है वो आ चुका है निकाह के लिए। तो पहले तो वो पता नहीं कुछ लिख रहा था, उसके बाद उसने बोला जी आ जाएं जी साइन करें। ठीक है, मैंने कहा चलें ठीक है। तो आपका भाई जो है वो कर रहा है जी साइन, ठीक हो गया। इसने 3-4 सफ़ों पे जो है वहाँ पे इसने लिखवाया था, और लिखने के बाद फिर अब्बू जान की बारी आ चुकी। तो उन्होंने बोला जी यहाँ पर आप जो है साइन करें। और अब्बू के साइन जो हैं आप दोस्त देखिएगा, बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं जो साइन हैं वो अब्बू कर रहे हैं।
तो अब्बू का शान जो है, दोस्तों को ये बता दूं, मैं फ़ैन हूँ अपने अब्बू का। शान क्यों करते हैं ना, तो क्या बात है। ठीक है, और उसके बाद जो है जी बारी हमारे चाचू जान की आ गई है जी। तो चाचू के शान जो है यार, ये कैमरे वाले ने इतने गौर से दिखाया नहीं है, उसका काम था करीब जाकर दिखाता। अगर आप दोस्त मेरे चाचू के शान देख लेते तो आप में दोस्तों ने मेरे चाचू का फ़ैन हो जाना था यार। तो मेरे चाचू के जो साइन है, क्या बात है यार, उनकी जो राइटिंग है, क्या बात है। मैं तो कसम से फ़ैन हूँ उनका, बहुत ज़्यादा अपने चाचू जान का। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ पढ़ाई जो है वो हो रही है, जो बोलते जा रहे थे मैं बोलता जा रहा था। तो अब जो है दुआ की बारी आ चुकी है, स्टेज पे जितने भी हैं वो दुआ पढ़ रहे हैं। ये भी चाचू हैं और वो भी सामने चाचू हैं, और यहाँ पे अब्बू भाई, साथ में मेरे कज़न हैं। ठीक है जी, तो दुआ करने के बाद यहाँ पे अब हो रही है जी, सारे मिल रहे हैं। ठीक है जी, अब सारे ये देखें जी, भाईजान जो है वो भी आ चुके हैं। ये मेरा कज़न है शानी साहब, और साथ में ये दोनों जो है वो, ये दोनों ही मेरे चाचू हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब्बू भी मिलने के लिए अब आ रहे हैं। ठीक है जी, और चलें जी, अब हो चुका है जी खाने का टाइम। तो मौलाना साहब जो है वो तो कह रहे थे मैं जा रहा हूँ, हमने कहा आप कहाँ जा रहे हैं, खाना तो खा कर जाएं। तो फिर बैठ के कहते चले ठीक है चलें जी। एक बड़ा भाई साथ में एहसान इलाही, और साथ में उस्मान, और साथ में है जी मेरे अब्बू जान। चले जी, फलक भी है वो भी आ चुकी है साथ में। तो यहाँ पे दोस्तों मेरी वाइफ जो है वो आ चुकी है, तो ये आप देख रहे होंगे दोस्त। तो इसके बाद ये दूध पिलाई की जो रस्म है वो है, और दूध जो था वो बड़ा ज़बरदस्त था। इसमें बादाम थे, उन्होंने काजू पिस्ते बादाम इस तरह की चीज़ें डाली हुई थी, तो काफ़ी मज़ेदार था। तो मज़ा आ गया वैसे दूध पीने का। ठीक है, और पैसे जो थे इन्होंने अच्छे खासे हमसे लिए थे दूध पिलाई के। दोस्त हैं अब सोच रहे होंगे कि भाई वो वलीमा जो है वो कहाँ गया। तो भाई मेरे वलीमा जो था वो मेरा वलीमा भी हुआ था, लेकिन ये है कि वो जो हमारा कैमरा मैन है उसने वीडियो नहीं बनाई, बिल्कुल भी वीडियोस जो है वो नहीं बनाई थी, क्योंकि वो कह रहा था मैं इधर गया था, मैं उधर गया था, मुझे काफ़ी काम थे जो मैंने करने थे, जिसकी वजह से वीडियो जो है वो नहीं बनी। तो मैंने कहा चलें कोई मसला नहीं। ठीक है जी, तो बस ये जो दो आपको मैंने दिखाए हैं, तेल मेहंदी और बारात, बस इसकी जो वीडियोस थी वो अब मैंने आप दोस्तों को दिखा दी। ठीक है जी, तो ये थी मेरी शादी। तो अगर आपको ब्लॉग जो है अच्छा लगा तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।